नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यूपी में दलित महिला ने पति पर लगाया लव जिहाद का आरोप, पति गिरफ्तार। लव जिहाद के आरोप में एक व्यक्ति को उसकी दलित पत्नी द्वारा लव जिहाद, बलात्कार और यौन शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 साल से विवाहित महिला ने अपनी शिकायत के पति के परिवार पर 4 सदस्यों की नाम लिया था और जिसके आधार पर बरेली के कैंट थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। इंस्पेक्टर बलवीर सिंह ने बताया है कि महिला के पति सादिन को आईपीसी के रेप और उत्पीड़न के धारावियों के साथ ही उत्तर प्रदेश के गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निदेश में धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही प्राथमिकी के अनुरुचित जाति के खिलाफ उच्चार अधिनियम के धारा पे शामिल की गई है। उन्होंने कहा है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। 28 वर्षीय शिकायतकर्ता ने शादी 2011 में की थी और साजिद से हुई थी, जब वह नाबालिग थी, जिससे पहले वह महिला ने दूसरे साथ थाने में तहरीर की थी और लेकिन पुलिसकर्मियों ने उस वक्त मामला शांत करा दिया था। सिद्धार्थ कियारा सूर्यगढ़ पैलेस में करेंगे शादी। स्टार कपल के प्री वेडिंग फंक्शन 4 और 5 फरवरी को होंगे, जिसमें देश विदेश से आने वाले खास मेहमानों के बीच मेहंदी, हल्दी और संगीत सेरेमनी होगी, जबकि 6 फरवरी को दोनों बैंड बाजे के साथ बारात के साथ मंडप में सात फेरे लेंगे। करीब 4 साल की रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी बंधन में बंधने का फैसला कर लिया है। जेम्सेल के रम रोड पर बना सूर्यगढ़ पैलेस एक फेमस स्टेडियम से है और प्लेस और हेरिटेज लुक में बनाया गया है और लग्जरी होटल है। यह करीब 65 एकड़ एरिया में बना हुआ है। इस होटल में 2 बड़े लेक गार्डन साइड और कैंपफेट भी बने हुए हैं। साथ ही शादी के फेरों के लिए बावड़ी में नाम की एक जगह है जहां मंडप सजाया जाएगा। होटल में 5 हवेली नुमा हुआ है और 94 से ज़्यादा रूम शादी के लिए बुक करेंगे। हाउसफुल 4 में और रेस 3 जैसी फिल्मों की शूटिंग भी यहां पर हो चुकी है। होटल के कोर्ट यार्ड में संगीत होगा, मेहंदी और हल्दी की रस्में पूरी होगी। डेजर्ट पर महंगाओं में के लिए डिनर और बंदोबस्त किए जाएंगे, जिसका पर प्लेट अरेंजमेंट और 15,000 से 20,000 रुपये होगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर मॉडलिंग से शुरू हुआ था और स्टार बने थे। सिद्धार्थ ने करण जौहर के साथ माय नेम इज खान में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की फिल्म का हीरो के तौर पर उनका रोल था और सिद्धार्थ की 3 फिल्में अदल बदल, मिशन मजनू और योद्धा भी आने वाली है। कपड़ों को लेकर फिर ट्रोल हुई एकता कपूर। निर्माता एकता कपूर हाल ही में एक सिद्धि डोंगरा के नए प्रोजेक्ट के लिए उन्हें विश करने पहुंची थी और इसी दौरान वह ऑफ शोल्डर साइड ड्रेस में नजर आई थी, जिस पर हाई टंज कसी गई थी। और इतना ही नहीं, ओवरऑल लुक ग्लैमरस लग रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स को उनका यह लुक शायद रास नहीं आया है और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी मिल रही है। कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एकता कपूर का यह लेटेस्ट वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया दिया ही है और लिखा है, हम SSR के नाम पर कपड़े दान करेंगे, कृपया उसका पता भेजें, हम उसे भी दान कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे यूजर ने लिखा है, इतना काम करने लोग भी क्या करते हैं और ढंग से कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, बहन कम से कम अच्छे कपड़े तो पहना करो। एक अन्य ने लिखा है कि इतने पैसे क्या काम के जब कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।